का मोटिवेशन है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। यानी हार जो है ये अपने आप में काफी ज्यादा मेहनती लोगों को ही मिलती है, बैठे हुए लोगों को तो केवल आलस मिलता है, उन्हें तो केवल कल्पनाएं मिलती हैं। हार उन्हीं को मिलती है जिन्होंने प्रयास किया होता है। अगर आपने लाइफ में प्रयास ही नहीं किया तो आप हार और जीत दोनों से ही दूर हैं। जिस प्रकार आप जीत से दूर हैं वैसे ही आप हार से भी दूर हैं। हार आपके प्रयास को दर्शाती है। आप कभी भी यह सोचकर निराश ना हो कि आपको हार मिली इसलिए आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। सकारात्मक रूप से अगर बात की जाए तो हार उन्हीं को मिलती है जिन्होंने प्रयास किया होता है। जिन्होंने प्रयास नहीं किया वो तो उस स्वाद को भी चखने से बच ही जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी हार। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है साथियों, आपको जीवन में मिली हुई हार या फिर जीवन में मिला हुआ फेलियर जो है ना, वो आपके भविष्य के लिए एक ऑटोमेटिक अलग प्रकार का अनुभव दे जाता है। ऐसा अनुभव जिसे आप खुद सीख जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही मतलब अपने छोटे छोटे अनुभवों से जानकारी देता हूँ। बचपन में मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स मुझे जब भी कुछ बातें कहा करते थे कि अजनबियों पे विश्वास नहीं करते, है ना, अपने भी घर में इस तरह की शिक्षा दी जाती है जैसे बेटा घर से बाहर जब बस से बाहर जाओ तो हाथ बाहर मत निकालना, किसी अनजान से कोई सामान लेके मत खाना, अजनबियों पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करते, जानने के बाद ही आप किसी से बातचीत करेंगे, अपन को छोटे छोटे लेसन मिलते थे। अच्छा, आप और हम जिस उम्र में वो टीन एज में होते हैं, विशेष रूप से 16 से लेकर 25 साल की जो उम्र है, जो कि लगता है कि दुनिया में मतलब सब कुछ हम ही हैं, दुनिया में हमारे आगे कोई कुछ नहीं है, ये एक ऐसी एज आती है हम सबके लाइफ में आती है, जिस समय अगर कोई हमें बोले कि बेटा कलेक्टर बन जाओ तो हाँ तो बन तो जाएंगे, कौन सा उम्र निकली जा रही है ना। हम बहुत से बच्चों के कमेंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा सर मेरी उम्र अभी 16 साल है, अभी तो मतलब मैं आईएएस बनने ही वाला हूं, मतलब फीलिंग मैं समझ सकता हूं, अभी तो सर मैं एक साल बाद आईएएस का अटेम्प्ट दूंगा। उनका वो जो एटीट्यूड है वो ये दर्शाता है कि उनको लगता है कि सफलता तो उनकी है, मिली जाएगी। तो ऐसी जब बातें हमारे साथ होती हैं लाइफ में तो हमें लगता है सब कुछ बहुत आसान है, दुनिया हमारे लिए एकदम कल्पना जगत लगती है, एकदम हसीन सपने लगते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाई देने लगते हैं। लेकिन उन सभी चीजों के बीच में हम लोग एक चीज भूल जाते हैं और वो क्या है कि घर वालों ने एक नसीहत दी थी कि किसी के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास मत करना। हम लोग क्या करते हैं, सब कह दिया किसी ने कि विश्वास मत करना, अरे इनको तो क्या पता नई दुनिया है, हम नए हैं, नए तरीके से विश्वास करेंगे। लेकिन सच मानिए, आप अपने जीवन में भी इसे अपना के देख लीजिएगा, आप जिन पर दाव खेलते हैं कि हाँ ये तो मेरे बुरे समय में काम आएगा ही आएगा, वो सभी लोग सबसे पहले बैकफायर करते हैं। आप प्रायोगिक रूप से देख लीजिएगा, आपको खुद से इस प्रकार की चीजें मिलकर के आएंगी कि पेरेंट्स ने या हमारे बड़ों बुजुर्गों ने या फिर हमारे टीचर्स ने जो हमें नसीहतें दी थी वो कहीं ना कहीं तक तो वैलिड थी। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 चीजों के अंदर हो जाता है, कुछ किस्मत से अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत कीमती हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिए, और वो पेरेंट्स ने जो एक्सपीरियंस आपको दिए ना, असल में वो उनकी हार थी, वो आपको अनुभव के रूप में दी गई कि देख हमने भी ऐसे करके देखा था, हमें मतलब निराशा हाथ लगी थी, पर ठीक है तुमको करना है तो करके देख लो। आप भी इस अनुभव से आने वाले लोगों को सलाह देंगे, मानने वाला मान जाएगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, है ना। तो आप हार को इस तरह से ना लें कि अब तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, हार को सकारात्मक रूप से लें। सकारात्मक ये कि भविष्य में ये पूंजी के रूप में आपके जीवन में काम आएगा, आप इसको FD बना के रखें, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, चाहे पढ़ाई ही क्यों ना हो। एटलीस्ट मैं तो कहता हूं कई बच्चों से कि अगर आप कुछ ना कर पाए तो टीचर तो बन ही जाइएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़े इतना लिए होंगे कि किसी ना किसी का तो कुछ भला कर ही देंगे अनुभवों से।